हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लुकमान टीवी। आज मैं आप लोगों को घर पे सेव कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन 2 कप्स, राइस फ्लोर 4 टेबलस्पून्स और ऑयल। आप इसके प्लेस में बटर भी ले सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल लिया और टर्मरिक, थोड़ा क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस शुरू करें। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड करूंगी 2 कप्स ऑफ बेसन और 4 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर, थोड़ा सा हल्दी, सॉल्ट स्वादानुसार, रेड चिल्ली पाउडर 1 स्पून और 1/4 स्पून क्यूमिन पाउडर। आप चाहे तो इसमें अजवाइन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर ले, अच्छे से मिक्स कर ले। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। और उसमें मैं ऐड करेंगी थोड़ा वाटर, इसे हमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं मिक्स करना है। इस डो को थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना लेना है। तो आटे को मैंने इस तरह इस कंसिस्टेंसी में मिक्स कर लिया। हमारा डो तो अच्छे से तैयार है। तो और मैं सेव बनाने के लिए इस संचय को यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें इस आंच जो है इसे रख दे और इसको सेट कर ले अच्छे से। और इस सांचे के अंदर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर ले इस तरह से, क्योंकि हमने सेव बनाने वक्त आसानी से हमारा सेव जो है वो ऑयल में आ जाएगा। तो मैंने डो को इस तरह बना लूँगी और इसमें रख के कवर कर लूँगी। और मैं इसको डीप फ्राई करने के लिए स्टोव पे पैन रख लिया और उसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल है वो अच्छे से हीट हो चुका है, उसमें मैं डालूँगी सेव। दूसरी तरफ पलटा दे। सेव जो है वो अच्छे से पक गया है। इसी प्रकार मैं सब सेव को इसी तरह से बना लूंगी। दोस्तों ये रही आज की हमारी रेसिपी सेव बनाना। इसे बनाना बहुत आसान है और कम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने इस बात का ध्यान दें, ये आटा मिक्स करते वक्त ये हार्ड नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से सॉफ्ट रहना चाहिए, तो आपको ऐसी सेव अच्छे से आएगी। हम इसको दही पूरी, सेव चाट, बेल पूरी सब चीज़ों में, स्नैक चीज़ों में इसका इस्तेमाल करके और भी टेस्टी हमारा स्नैक बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो को लाइक करें, ये रेसिपी आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।